हो गया ब्रेकअप? हाँ यार, उसने किया या तूने किया? मैंने करा। अबे स्लट थी यार वो, बहुत बड़ी वाली। क्या है स्लट? स्लट? क्यों? अबे कॉलेज के लड़के बता रहे थे यार, उसने परसों किसी लड़के को किस किया था। और तूने यकीन कर लिया? हाँ यार, लड़के बोल रहे थे। नहीं, प्रूफ क्या है? ऑब्वियसली है ही वो स्लट। अबे मैं तेरे को बताना भूल गया, शायद तेरी बहन का दो लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप चल रहा है। क्या बोल रहे हैं कुत्ते? नहीं, मेरे को जो पता लगा मैंने बस वो तेरे को बताया। किसने कहा? कॉलेज के लड़के बता रहे थे। और तूने मान लिया? तो तूने कैसे मान लिया? शक्ल देख अपनी, खुद की बहन के बारे में ऐसी बातें सुन के कैसा चेहरा पीला पड़ गया तेरा। तेरे को पता है लड़कियों के बारे में ऐसे र्यूमर्स कौन फैलाता है? या तो जब कोई उससे बहुत जेलस होता है, या तो जब कोई उसे हासिल नहीं कर पाता, उसका अटेंशन ले नहीं पाता। हम लोगों की साली यही प्रॉब्लम है। अगर मार्केट में कोई लड़की चार लड़कों के साथ दिख जाए तो उसको बिना सोचे समझे स्लट बोल देते हैं। और अगर उसी जगह पे एक लड़का हो और चार लड़कियां हो तो भाई क्या डूड है यार। लड़की करे तो स्लट, लड़का करे तो डूड। हाँ, मैंने अक्सर लड़कों को ब्रेकअप के बाद ऐसे रूमर्स फैलाते हुए देखा है, और आज तू भी वही कर रहा है। किसी ने उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और तूने उसकी बात पे विश्वास कर लिया और बिना सोचे समझे उसको स्लट बोल दिया। और तू कौन होता है उसको स्लट बोलने वाला? जब तू रिलेशनशिप में था तब दूसरी लड़कियों से बातें करता था, मिलने जाता था। तूने मेरी आंखों के सामने उससे कितने झूठ बोले हैं, और तू उसको स्लट कह रहा है? स्लट तू है। छोटे कपड़े पहने तो स्लट, रात को पार्टी करे तो स्लट, लड़कों के साथ घूमे तो स्लट, स्लट स्लट स्लट। भाई ये जो वर्ड है ना स्लट, इसका मीनिंग कुछ अलग है, हमारी सोच से काफी परे है। किसी के भी बारे में बुरा बोलने से पहले खुद के गिरेबान में झांक। अरे मैंने तो लड़कियों तक को एक दूसरे के बारे में ऐसे रूमर्स फैलाते हुए देखा है यार। एक इगोइस्टिक बंदे की सबसे बड़ी निशानी पता क्या है? रिवेंज। उसने मेरे साथ ऐसा किया, रिवेंज। उसने मुझे डंप किया, रिवेंज। उसने मुझे ये बोला, रिवेंज। उसने मुझे वो बोला, रिवेंज 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 रिवेंज। और भी काम है लाइफ में यार, क्यों किसी की जिंदगी को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो? उसको क्यों बदनाम कर रहे हो? उसके बारे में बुरा क्यों बोल रहे हो? पहले खुद की थाली देख। क्या बात है, क्या बात है, आज तो दोनों डेट पे जाके आए हो। मम्मी क्या हुआ? तेरे पापा मुझे फिल्म दिखाने ले गए थे। अरे अच्छी बात है ना, दोनों ने साथ में वक्त बिता लिया थोड़ा सा। क्या अच्छी बात है, इतना घटिया सिनेमा हॉल था। कहाँ पे? इधर ही बगल में जो है चंदू सिनेमा हॉल। चंदू सिनेमा हॉल में? अरे वहाँ तो 10-10 रुपए की टिकट मिलती है यार। सुना तुमने, पता नहीं कौन कौन आए हुए थे, सारे रिक्शा वाले झाड़ू पोछा मारने वाले आए थे वहाँ। वो सारे बनियान में थे और ये इकलौते शर्ट में बैठे थे। इतना अजीब लग रहा था। आपको कोई दूसरी जगह नहीं मिली ले जाने के लिए? वहाँ ले गए। पता नहीं कौन सी गंदी फिल्म दिखाने ले गए थे। कौन सी फिल्म देख के आए हो? पति फौज में पत्नी मौज में। पति फौज में पत्नी मौज में। अरे ये क्या है? अरे वो एक फौजी की कहानी है, वो बाहर जाता है तो है? इतनी सारी फिल्मों में से बस वही मूवी मिली थी देखने के लिए, और मम्मी को क्यों ले गए? अरे तूने तो कहा था उस दिन फौजी की कहानी है, तो उस दिन हम सब्जी लेके निकल रहे थे वहाँ से, तो मैंने उसका पोस्टर देखा, तो मैंने सोच लिया कि दिखाऊंगा इसको एक दिन वो फिल्म, उसी बहाने मैं भी देख लूंगा। एक और फिल्म लगी थी लेकिन वो बहुत अश्लील थी, तेरी माँ को कैसे दिखाता मैं? कौन सी? तोहार चुम्मा विटामिन ए। तोहार चुम्मा विटामिन ए। अब ऐसी फिल्म दिखाओ तेरी माँ को, देखोगी तुम तोहार चुम्मा विटामिन ए। अरे यार ऐसे थिएटर में जाने की क्या जरूरत थी, दुनिया भर के मॉल है, एक वही जगह मिली थी जाने के लिए। जैसे ही पिक्चर शुरू हुई मेरे पैर के ऊपर से इतना बड़ा चूहा निकला, मैं तो वहाँ से भाग गई, और मेरे पीछे पीछे ये भी आ गए। तो फिर आप लोगों ने मूवी देखी नहीं? कहाँ देखी, नहीं देखी। अच्छा हुआ नहीं देखी। चल अब जो हो गया हो गया, मुझे वो फौजी वाली फिल्म तेरे कंप्यूटर पे देखनी है अभी के अभी। वो मैंने डिलीट कर दी, उस दिन बताया था ना आपको उसमें वायरस था, मैंने हटा दी। ऐसे कैसे वायरस आ जाएगा, मैं भी देखता हूँ। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैंने हटा दी पापा, मैंने हटा दी। बचाओ बचाओ। पापा ये मेरा दोस्त है बिल्ली। उसी? What? अरे बिल्ली 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 नहीं। ओ कहाँ से है? यूके। ओहो उत्तराखंड से। यूनाइटेड किंगडम लंदन। फादर लंदन। हेलो मिस्टर बाबलू, हाउ डू यू? आई सिट एंड डू दिस हैंड फॉर रबिंग एंड वॉशिंग। किस 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 किस। अरे वो पूछ रहा है कैसे हो। हेलो हेलो वेलकम, माई सेल्फ बबलू फ्रॉम इंडिया।
बीवी. ओके. She didn't say anything. She just says okay. Okay. So what do you do? I'm currently studying in University of London. Oho, London School of Prick and Balls. अरे नहीं 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 नहीं. He's just kidding. What? He's just kidding. क्या कह रहा है? बोल रहा है मैं बच्चे कर रहा हूँ. तुम खुद से बच्चे करते हो? मैं कैसे कर सकता हूँ खुद से बच्चे? तुम्हें भी पता है फालतू बात करती हो. अरे फायरिंग. अरे मम्मी पापा, किडिंग का मतलब होता है मजाक कर रहे हो. उसके सामने भी लड़ाई कर लो, मार लो चक्कू दोनों एक दूसरे के. इसको समझा, लड़ती रहती है पूरा दिन. बीबी दैट इज अ फनी गाय. आई लाइक यू. आई लाइक्स यू टू. लेट्स हैव फूड टू ईट. With hands. I'm cool with it. So what are we eating today? भिंडी की सब्जी बनाई है मम्मी ने आज. भिंडी. भिंडी. भिंडी means lady finger. औरतों की उंगली. अरे बेटा क्या बोल रहा है? औरतों की उंगलियां काट के थोड़ी खिलाती है. इंग्लिश में भिंडी को लेडी फिंगर कहते हैं फादर, समझे? भिंडी. That is some serious shit, bro. अब ये क्या बोल रहा है? कह रहा है ये तो टट्टी है. मेरी भिंडी को टट्टी बोल रहा है ये उल्लू का पट्टा. फॉलो कर रहे हो दोनों.